अंबेडकर नगर के आलमपुर तहसील क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र से गुजरने वाले निर्माणाधीन गौरखपुर एक्सप्रेसवे में कहीं भी किसी प्रमुख मार्ग से जुड़ाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आलमपुर तहसील क्षेत्र के लोग उस मार्ग से जुड़ नहीं पाएंगे। उन्हें गौरखपुर एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए आजमगढ़ या फिर गौरखपुर जिले में ही प्रवेश कर अपने वाहन लेकर एक्सप्रेसवे पर चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे आलमपुर तहसील क्षेत्र से भी गुजर रहा है। जो लोगों की मंशा है कि उन्हें इसी क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कहीं ना कहीं मार्ग कट की व्यवस्था की जाए। जंगीरागंज से राजेश सुल्तानपुर एवं कमरिया घाट जाने वाली सड़क का जुड़े लोग पदमपुर व कमरिया घाट में एक्सप्रेसवे पर कट चाहते हैं। गौरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ाव की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अंबेडकर नगर से राजकुमार मौर्य की रिपोर्ट। 24/7 लाइव टीवी, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अंबेडकर नगर के कमरिया घाट। जो तैयारी हुई आखिरी छोर पड़ता है अंबेडकर नगर का, वहां जो हाईवे है वो गोरखपुर से सीधा निकल रहा है वाराणसी के लिए, और यहां जमीनें चली गई और जो है सारे भी हम लोगों हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ ये अप्रोच नहीं बना है। अगर ये अप्रोच बना है तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर उसी विषय पर यहाँ क्षेत्रवासी योगेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ ये निर्णय लिया गया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बारे में मीटिंग बुलाई गई, इसके बारे में आप यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि इसके पहले हम और भाजपा के वरिष्ठ नेता यमुना चतुर्वेदी जी, विधायक जी, सभी लोगों को हम लोग ज्ञापन दे चुके थे और सांसद की मीटिंग में भी हम बता दिए थे। वहां आश्वासन मिला था कि पदमपुर में अप्रोच मार्ग दिया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग एक सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं जिसमें 21 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। आगे अगर उस तब तक प्रशासन कुछ निर्णय नहीं लेता है फिर हम लोग उसके आगे फिर कदम बढ़ाएंगे। जो कमरिया घाट में जो मीटिंग बुलाई गई है अप्रोच के मामले में, इसके बारे में आपका क्या कहना? मेरा कहना यह है कि जब हमारे क्षेत्र वालों ने देखा जो गोरखपुर से ये हाईवे आ रहा है, इस पे हमारे इलाके में कहीं चढ़ने उतरने की व्यवस्था यानी अप्रोच मार्ग नहीं बन रहा है। गोरखपुर में सिकरी और खजनी में दो दो बन रहा है, जलालपुर में एक बन रहा है। क्षेत्रवासियों काफ़ी मायूसी थी, बहुत तकलीफ थी। लोगों ने मुझे अवगत कराया तो मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाया इसलिए कि पहले सत्ता के माध्यम से, क्योंकि क्षेत्र में हमारे सत्ता भी, हमारे लोग भी हैं, भाजपा भी मित्र हैं, मैं उनसे अनुरोध किया हूं आज की बैठक में आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन में ये आवाज़ लगाकर आप इसको सुनिश्चित कराएं कि ये बने। यदि ऐसा नहीं बनता है तो क्षेत्रवासियों का सर्वदल साथियों को साथ लेकर इसी धरना, यहाँ जो वहाँ से हाईवे का ये नदी के किनारे जहाँ लग रहा है, यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। और ये सेनानियों की धरती है, बरुदा सिंह की धरती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इससे वंचित नहीं रहेंगे, हम इसको बनवाएंगे, जो भी करेंगे शांतिपूर्ण करेंगे, अहिंसक करेंगे। राजकुमार मौर्य, इंडिया 24/7 लाइव टीवी, अम्बेडकर।